आरटीए नुई कार्यालय सरल स्कोर में काम निपटाने में 10 में से 9.7 अंक हासिल कर प्रदेश में पहले पायदान पर हैं। हरियाणा के सबसे पिछड़े जिलों में मेवात जिले की गिनती होती है, लेकिन आरटीए विभाग ने जिस तीव्र गति से सरल स्कोर में बाजी मारी है, वह वास्तव में काबिले तारीफ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरल स्कोर में नुई जिला 9.7 अंकों के साथ पहले नंबर पर बरकरार है। आरटीए जितेश कुमार डीएसपी ने पत्रकारों को बताया है कि 22 सेवाएं सरल के अंदर उनके विभाग से संबंधित आती हैं। इन सभी का काम तेजी से निपटाकर लोगों को राहत देने के साथ साथ सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरना है। आरटीए सचिव जितेश कुमार ने बताया है कि जिले में 1 जून 2021 से अब तक 1381 लाइसेंसों का नवीनीकरण किया गया है। इसके अलावा 756 लोगों को नए ड्राइविंग लाइसेंस दिए गए हैं, 546 लोगों को लर्निंग लाइसेंस दिए गए हैं। आपको बता दें, मेवात जिला राज्य के उन जिलों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा ट्रक चालक हैं। हजारों की संख्या में लोग ट्रक चालक के रूप में काम कर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। पिछले कई सालों से इन चालकों के लाइसेंस अनपढ़ता व अज्ञानता के साथ साथ फर्जी होने की वजह से नवीनीकरण नहीं हो पा रहे थे, जिसकी आड़ में जिन लोगों के लाइसेंस बिल्कुल सही थे उनका भी कामकाज ठप पड़ा हुआ था। लेकिन आरटीए सचिव जितेश कुमार डीएसपी ने नूह जिले का कार्यभार संभाला तो इस काम को मानो पंख लग गए। यही वजह है कि सरल स्कोर में मेवात जिला पहले नंबर पर है। प्रादेशिक परिवहन सचिव जितेश कुमार ने बताया है कि उनके कार्यालय द्वारा आवेदन करने के बाद महज 15 दिनों में लाइसेंस इत्यादि प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि यह जो आंकड़े जारी हुए हैं उनके कार्यभार संभालने से आज तक के आंकड़े हैं। उनकी कोशिश है कि आरटीए सचिव नुई कार्यालय 10 में से 10 अंक लेकर प्रदेश में हमेशा नंबर 1 की पोजीशन पर बने रहे। कुल मिलाकर मेवात जिले के लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जितनी कठिनाइयों का सामना किया था, अब वह बीते वक्त की बातें हो गई हैं। अब लोगों को जल्द से जल्द लाइसेंस दिए जा रहे हैं। पढ़े लिखे ही नहीं बल्कि अनपढ़ लोग भी अब तेजी से लाइसेंस बनवा रहे हैं। प्रत्येक माह तकरीबन 300 से 350 लोगों के लाइसेंस आरटीए सचिव मेवात कार्यालय द्वारा बनाए जा रहे हैं और जिले के हजारों चालकों के घर में लाइसेंस नवीनीकरण व नए लाइसेंस बनाने से खुशहाली देखने को मिल रही है। नोए मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। बड़ा मुद्दा रहा है, नए लाइसेंस लोगों के नहीं बन पा रहे थे, पिछले कुछ चीजें समय से चीजें समूठली हुई हैं और अब राज्य में पहले पायदान पर मेवात जिला है, इसको आप कैसे देखते हैं और इसको लेकर क्या कहें? देखिए, जब से मैंने ज्वाइन किया और 1 जून से जो दोबारा से ऑफिस का जो नॉर्मल कार्य जो शुरू हुआ है, जब से लेके अब तक हमने 756 ड्राइविंग लाइसेंस जो हैं वो नए जो हैं इशू किए हैं और 1381 के करीब जो हमने रिन्यूअल किया है और 546 लर्नर लाइसेंस हमने जारी किए हैं। और हमारी कोशिश यही है कि जो राइट टू सर्विस एक्ट है उसको हम पूरी तरह से लागू करें और जो भी प्रिस्क्राइब्ड टाइम है उसी के अंतर्गत ही जो एप्लीकेंट है उसको लाइसेंस मिल जाए और जो भी 22 तरह की हम जो सेवाएं देते हैं वो उनको जो निर्धारित जो समय सीमा उसकी तय है उसी में कोशिश है कि हमारी कि वो उससे लेट नहीं हो। अलग अलग एप्लीकेशन है, अलग अलग सेवाएं हैं, उसका अलग अलग निर्धारित समय है। उसका राइट टू सर्विस एक्ट का जो बोर्ड है उसका समय की जो निर्धारित सीमा है उसका बोर्ड हमने बिल्कुल अपने वहाँ बाहर नीचे कार्यालय पे लगा रखा है। वो हर सिटीजन जो है, कोई भी नागरिक वहाँ उस बोर्ड को पढ़ सकता है, देख सकता है कि मैंने अगर लाइसेंस अप्लाई किया तो 15 दिन में मुझे लाइसेंस मिलेगा ही मिलेगा। ये सारी सेवाएं जो है समय सीमा के साथ हमने वहाँ बोर्ड लगा रखा है जो आम पब्लिक उसको देख सके और उसका फायदा उठा सके। सर, दूसरे राज्यों से जो फेक लाइसेंस वगैरह का इशू यहाँ चला था, क्या उनके नवीनीकरण हो रहे हैं, क्या कहने से? जो फेक लाइसेंसेज या दूसरे राज्यों से जो लाइसेंसेज हैं हम वहाँ पे उनको पत्र लिख देते हैं और उसकी वेरिफिकेशन भेज देते हैं और अगर जवाब आ जाता है तो हम उसको उसका नवीनीकरण कर देते हैं। अगर उसकी जेन्युइनिटी है और वो ठीक लाइसेंस बना हुआ है। अभी हम जो सरल केंद्र हमारे नीचे खुला हुआ है उसके अगर हम अंकों की बात करें तो उसमें हम जो हमारा जो नूह जिला जो है वो 9.7 अंकों के साथ हरियाणा में जो सेक्रेटरी आरटीए जो है वो नूह के जो हमारा ऑफिस है वो नंबर 1 है अभी तक और हम इस नंबर को बिल्कुल
बरकरार रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इससे भी अच्छा काम करें। स्कोर में सरल स्कोर जो हैं वो जो भी हम सुविधाएं देते हैं उन सुविधाओं को जो अगर हम उसको समय पर दे देते हैं तो उसमें हमें 10 में से अंक मिलते हैं। तो इन ये सारी सुविधाएं देने में हमारा 10 में से 9.7 अंक हैं, जो कि मैं मानता हूँ इसको 10 में से 10 तक हमने लेके जाना। सर सबसे हर महीने 300 से 350 तक के हम लाइसेंस आवेदन आते हैं और वो हम उनके बना देते हैं लाइसेंस, उनके सभी डॉक्यूमेंट्स चेक करके उनके जितने भी वो शर्तें पूरी करते हैं अगर, तो उनका बिना किसी विलंब के हम उसका लाइसेंस बना देते हैं।